नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। राष्ट्र निर्माण पार्टी ने कहा, दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी देकर केजरीवाल सरकार लोगों को भिखारी बना रहा है। लोगों के टैक्स का पैसा अपने राजनीतिक फायदे के लिए जनता पर लुटा रही है। हम दिल्ली के सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अभी तक 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण, मुफ्त दिल्ली जैसे मुद्दों पर जनता के बीच जाएंगे। दिल्ली में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीति गर्मा गई है। इस चुनावी समर में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ साथ अब एक नई पार्टी राष्ट्र निर्माण पार्टी ने भी दिल्ली के चुनाव में अपनी ताल ठोक दी है। एक संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण पार्टी के दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इसका ऐलान किया। विकास के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण, मुफ्त दिल्ली मुख्य मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। अभी तक 40 उम्मीदवार के नाम तय हो चुके हैं। इन चुनाव में मुख्य लड़ाई केजरीवाल से होगी। पेशे दिल्ली से राजीव तिवारी की एक खास रिपोर्ट। स्वदेशी उद्योग, घरेलू उद्योग जो कि विभिन्न नीतियों के कारण से आज बर्बाद हो गए, उनको रिवाइव, उनको सहायता देना, उनको आगे, जिससे कि रोजगार बढ़ सके। दूसरी चीज ये है कि जितनी भी समस्याएं हमारे दिल्ली में है, पॉल्यूशन को लेकर, पानी गंदा, हवा गंदी, नदी गंदी, इस विषय को लेकर के हमें काम करना है। सर, सवाल यह है कि क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीन ऐसी पार्टियां हैं जो अपना वजूद रखते हैं और कहीं आपकी पार्टी कहीं है नहीं। क्या लगता है कि आप इनके मुकाबले कहीं टिक पाएंगे? देखिए जी, हम टिक पाए न टिक पाए वो एक अलग चीज है, पर हम संघर्ष तो कर सकते हैं, हम अपनी बात तो कह सकते हैं, हम लोगों के सामने जाके कह तो सकते हैं कि भाई हमारे ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के हम आपके बीच में आए हुए हैं, और यदि उनको अच्छा लगता है तो ठीक है, वो सपोर्ट करेंगे, नहीं अच्छा लगता है तो नहीं सपोर्ट करेंगे, परंतु हम अपना संघर्ष, हारे जीते वो एक अलग चीज है। देखो, चुनाव ही पूरा वो नहीं होता है कि चुनाव में जीते हारे, इसके माध्यम से हम जनता को एजुकेट करते हैं, हम जो महसूस कर रहे हैं कि भाई ये चीजें जो हैं वो होनी चाहिए। सर, सवाल एक है कि 70 जो विधायक आप कहां से लाएंगे, क्या आपके पास हैं? देखिए जी, अभी तक हमारे साथ 40 लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, जो कि 40 ऑलरेडी हो चुके हैं, और मैं समझता हूं कि थोड़े 2-4 दिनों में बिल्कुल अब समय नजदीक आ गया। हाँ जी, बिल्कुल नजदीक है, तो लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं और वो जो है अपना कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि आप लोग जो चुनाव लड़ेंगे वो दिल्ली सरकार के खिलाफ लड़ेंगे या केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ेंगे? देखिए जी, स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हम स्टेट का चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे पहले प्रतिद्वंदी जो है आम आदमी पार्टी होगी, पर बीजेपी, कांग्रेस, इनकी भी जो नीतियां रही हैं वो आम जनता के हित में नहीं है, और जनता जो है इन लोगों से भी ऊब चुकी है। झारखंड का उदाहरण आपके सामने है, लोगों के सामने कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, इसलिए फिर वो अपने पुराने जो लोग हैं जिनको उन्होंने छोड़ दिया था, फिर वहीं उनको देना पड़ता है। तो हम एक अल्टरनेटिव के रूप में आना चाहते हैं। ठीक है, संघर्ष होगा, संघर्ष करेंगे, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है, परंतु हम करेंगे। आपने केजरीवाल सरकार पर एक आरोप लगाया है, उसमें ये साफ कहा है कि केजरीवाल दिल्ली में जो फ्री पानी, फ्री बिजली दे रही है, वो लोगों को भिखारी बना रही है। ऐसा बिल्कुल, देखिए, फ्री में कोई चीज देना, हाँ, जो असहाय है, जिनका कोई नहीं है, ठीक है जी, विधवाएं होती हैं और ऐसे लोग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं कि बच्चों ने छोड़ दिया, ऐसे कोई लोग हैं या बच्चे हैं, अनाथ हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं करो, बात समझ में आती है, पर आप हर एक के लिए आप ये फ्री में देने लगे, इसका कोई मतलब नहीं। जो दे सकते हैं आप व्यवस्थाएं पैदा करिए ना, यदि आप व्यवस्थाएं पैदा करेंगे तो पानी सस्ते में दीजिए ना, बिजली सस्ते में दीजिए, व्यवस्थाएं पैदा करिए, वो हम करना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, उसमें आपको परिश्रम करना पड़ता है, और ये तो ऐसा है कि आपने घोषणा कर दी कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपनी जेब से कुछ जा नहीं रहा, आप चाहे सब कुछ लुटा दो। लेकिन लोग तो मान रहे हैं ना कि उन्होंने, मेरा बिजली के बिल जीरो आ रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। अभी जो दिल्ली की स्थिति है कि मतलब कि ये स्थिति है कि 60 सीट प्लस जो है सो उनको लग रहा है, क्योंकि जो वोटर हैं वो सब नीचे लेवल के हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं जल्दी निकलते नहीं घर से, कैसे आप उनसे आप निजात पाएंगे? लोगों को समझाना होगा, यदि वो मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी में ही सब कुछ गंवा देंगे तो ये जो राजधानी है
डेवलप नहीं हो पाएगी। ये अभी जो स्थिति है उससे भी बदतर होती जाएगी, क्योंकि बिना पैसे के व्यवस्थाएं नहीं बनती और उन व्यवस्थाओं के लिए पैसे की बहुत आवश्यकता। आप किसी भी इलाके में चले जाओ, स्लम एरियाज देखिए, नरक से गंद, जैसे कीड़े मकोड़े रहते हैं ना, कभी जाकर देखो तो किस हालत में लोग रह रहे हैं। और हमने ये हालत कर रखी है, कितनी विधानसभा कितनी सीटें आपने ऐलान की? हमने जो अभी 40 हमारे कैंडिडेट जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, बाकी 30 कब तक, बाकी के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं हमें।